बहुत ही अच्छे ब्यूटीफुल लग रही हूँ। देखो जब लड़कियों को आप कॉम्प्लीमेंट देते हैं कि लड़कियाँ ब्यूटीफुल लग रही है तो वो और ज्यादा लगती है। और मैं तो हुई बचपन से सुंदर। नवरात्रि भी चल रहा है। नवरात्रि चल रहा है, मेरा फेवरेट सीजन है नवरात्रि। नवरात्रि में हमें बहुत रेडी होने मिलता है, जैसे कि आप मुझे देख रहे हैं, मैं अच्छे से रेडी हुई हूँ। तो गरबा में एंजॉय कर रहे हैं कि नहीं आप? मुझे बहुत पसंद है गरबा। मुझे बहुत ज्यादा अच्छे से खेलने नहीं आता है, बट हाँ मैं गरबा बहुत प्ले करती हूँ। जितना मुझसे हो लोगों को कॉपी कर करके मैं गरबा जरूर खेलती हूँ। ये मेरे फोन से लोग हैं। या दोनों फोन से बनाओ। रेडी तो हम गरबा करें। पीछे आ जाते गिरोगे? मैं नहीं गिरूंगी। मुझे हैबिट है गरबा करने की, गोल 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 घूमने की, सो मैं इतने आसानी से गिरती नहीं हूँ। खूबसूरत के पीछे कोई राज होगा मैम? खूबसूरती के पीछे का राज? हाँ राज तो बहुत सारे हैं, बट खूबसूरती के राज बताए नहीं जाते। जहाँ तक मुझे पता है हमें खूबसूरती के राज छुपा के रखने चाहिए, उतनी ज्यादा हमारी खूबसूरती बढ़ती जाती है। आप ये कह सकते हैं कि मैं सरल लवली लगाती हूँ। चले अंदर। ये? आपका फेवरेट कलर कौन सा है? मेरा फेवरेट कलर है रेड, ब्लैक, व्हाइट, पिंक, ऑलमोस्ट मेरे सारे कलर फेवरेट है। तो रेड कलर में कभी देखने को मिलेंगे आप? तो आपकी इच्छा मैं कल ही पूरी करती हूँ। कल ही हम रेड कलर पहन लेते हैं। अंदर चले या। क्या नाम है आपका? नीरज सिंह। देखिए आज नीरज सिंह मुझे दुपट्टा दिलाने वाले हैं। नवरात्रि के पावन अवसर पर एक नया दुपट्टा गिफ्ट मिलने वाला है। कौन सी दुकान से? कोई दुकान से। थैंक यू वेरी मच नीरज, आपने मुझे बोला वही काफी है। अब गिफ्ट मैं आपके लिए लेके आऊंगी। थैंक यू। चार लेके आएंगे मेरी वाइफ के लिए भी। आपकी एक गर्लफ्रेंड है? दो है लेकिन एक ब्रेकअप हो गया। यस। अरे पीछे आ जाओ यार। आज अभी नवरात्रि में एक अच्छी चीज ये है कि गर्लफ्रेंड बहुत इजीली मिल जाती है। क्या आपके लिए ढूंढनी चाहिए? नहीं, एक है साक्षी सिंह के नाम से। अच्छा, नाम भी साक्षी है। हेलो साक्षी। चप्पल छोड़ना Thank you.
बाइक ले लो। मैं आज नवरात्रि के आज कुछ पांचवा दिन है जहाँ तक मुझे पता है। आज हम लोखंडवाला में पंडाल पे आए हैं जो कुमार शानू जी का है। खैर कुमार जी तो हमें यहाँ नहीं मिल पाए, शायद वो इवनिंग में आने वाले हैं। बट पंडाल में पूजा करके माता की भक्ति करके बहुत अच्छा लगा। जैसे आप देख ही सकते हैं माता की पावरफुल एनर्जी देखिए, माता के अंदर जो पावरफुल एनर्जी है मुझे खुद को फील हो रहा है कि कहीं ना कहीं वो एनर्जी मुझ में भी आ चुकी है। ये 9 दिन बहुत पावरफुल होते हैं, तो ये 9 दिन हो सके उतना हमें भक्ति करनी है और माता की एनर्जी लेनी है। अगर फर्स्ट दिन की बात करें नवरात्रि की, कैसा रहा एक्सपीरियंस फर्स्ट दिन का? फर्स्ट डे तो खैर मेरा फास्टिंग था फर्स्ट डे, तो फर्स्ट डे बहुत ही अच्छा हो लगता है। अगर आपने देखा है जो लोग फास्टिंग करते हैं उनके चेहरे पे एक अलग सा ग्लो होता है, तो माता रानी का मेरा फास्ट था फर्स्ट डे, तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा। आगे ये भोग की बात करें तो भोग अलग अलग ही लगाए जाते हैं, तो आप किस तरह से भोग लगाती हैं? हम भोग देखें, मैं महाराष्ट्र हूँ तो हम महाराष्ट्र तरीके से ही लगाते हैं। जो कलकत्ता की परंपरा हमें नहीं आती है, तो जो हमें आता है, जो हमने बचपन से किया है, क्योंकि नवरात्रि हमारे घर में बचपन से ही हम सेलिब्रेट करते हैं, तो उसी तरीके से हम महाराष्ट्र तरीके से ही भोग लगाते हैं। और कलर की बात करें तो आपका ड्रेस जो है आज ब्लैक है? जी जी जी, आज मैंने चुना है ब्लैक एंड वाइट, क्योंकि मैं रोज एक ड्रेस वेयर कर रही हूँ। हालांकि माता रानी के कलर के हिसाब से मैं नहीं चल रही हूँ, उतने सारे कलर्स मेरे पास अवेलेबल नहीं है, जो मेरे फेवरेट कलरों में से है, तो रोज एक मैं कलर वेयर कर रही हूँ। अगर गरबा की बात करें तो आपने गरबा में क्या एंजॉय किया? गरबा खेला? मेरा फेवरेट पार्ट है, गरबा मेरा फेवरेट पार्ट है, मुझे खेलना बहुत अच्छा लगता है। मैं आज रात को भी खेलने जाऊंगी, मैं कल भी जाऊंगी। राखी जी, सुना राखी जी भी यहाँ पे आ रही है, तो क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल, ये माता का पंडाल है, यहाँ माता बैठी हुई है, हर अपने भक्त को माता यहाँ आशीर्वाद देंगी। मुझे लगता है राखी को भी आके माता का आशीर्वाद लेना चाहिए। कहीं अगर बात करें जो है राखी जी ने आप पर भी इल्ज़ाम लगाया था, तो उसे किस तरह से देखते हैं जब जो है इल्ज़ाम पे इल्ज़ाम लगता हो? देखिए मैं एक पीड़ित लड़की हूँ जो राखी के मारी हुई हूँ, राखी मैं एक पीड़ित हूँ जो राखी रोज एक मुझ पर हल्ला बोलती है, रोज एक नए इल्ज़ाम लगाती है, ब्लेम करती है, और आज मैं माता रानी के सामने हूँ, तो मैं ज़रूर चाहूँगी कि माता रानी ये मेरे सारे जितने भी विघ्न हैं, ये जो राखी मेरे साथ कर रही है, आज राखी आपके पंडाल आने वाली है, तो आप उसको इतनी बुद्धि दे कि किसी लड़की की ज़िंदगी ख़राब ना करे, और हर किसी के साथ अच्छे से रहे, लड़की हो या लड़का हो। तो राखी को मैं ये मैसेज देना चाहूँगी माता रानी के पंडाल में कि किसी की ज़िंदगी ख़राब मत करो। आप राखी की सबसे बेस्ट फ्रेंड थी, कहीं ना कहीं बात करें तो नज़र साथ में नज़र आती थी, तो ऐसा क्या वजह थी जो आप जुदा हो गए? देखिए वजह तो बहुत सारी थी, मैंने पहले भी बहुत सारी वजह बता चुकी हूँ। राखी मेरी बहुत अच्छी दोस्त थी, मैं राखी की सिर्फ दोस्त नहीं थी, राखी के लिए मेरा बहुत कुछ था। राखी को लेके मेरे दिल में एक सॉफ्ट कॉर्नर होना आज भी है, मैं ये नहीं कहूँगी कि मैं राखी की दुश्मन हूँ, बिल्कुल नहीं, बट जो राखी ने मेरे साथ किया है वो किसी के साथ करना नहीं चाहिए। एज अ फ्रेंड राखी को किसी के साथ नहीं करना चाहिए। और रही बात दोस्ती की, तो मुझे पता नहीं आज अच्छा नहीं लग रहा है कि राखी और मैं अलग है। खैर क्या करे, राखी यही चाहती थी सो यही सही। आज देवी माँ का आशीर्वाद लिया, आशीर्वाद में क्या कुछ मांगा? देवी माता से मैंने बहुत कुछ मांगा है, खैर मैं बताऊंगी नहीं, जिस दिन मेरा पूरा हो जाएगा, मेरी मन्नत पूरी हो जाएगी, उस दिन मैं बता दूंगी कि मैंने देवी माँ से क्या मांगा। बंगाली लुक में आज राखी आने वाली है आज यहाँ पंडाल पर, कैसी लगेंगी? देखिए राखी हर लुक में खूबसूरत लगती है, मैं उसके साथ रहती थी, मैं उसको रेडी करती थी, खैर आज भी मुझे पता है वो आज भी बहुत सुंदर लगेगी। किसी को मोबाइल क्या कहना चाहेंगे आप? सेम पंडाल में आप भी हैं, सेम पंडाल में आपकी दुश्मन भी आ रही है। देखिए इस पंडाल में न जाने कितने दोस्त और कितने दोस्त दुश्मन मिलते होंगे, ये माता रानी का घर है, यहाँ पे हर किसी को आना अलाउड है, माता रानी हर किसी को आशीर्वाद देगी, वो मेरा दोस्त हो या वो मेरा दुश्मन हो, या हर कोई आ सकता है। अगर फिर से राखी दोस्ती करना चाहें तो आप क्या दोस्ती करेंगी? इस बात का जवाब मेरे पास ना कल था, ना आज होगा और ना कल होगा, मैं अब राखी से दोस्ती कभी नहीं करना चाहूँगी।
और दुश्मनी? दुश्मनी तो अच्छे से निभा लूंगी और मैं निभा रही हूँ। खैर देखते हैं, अब डे बाय डे चीज़ें चेंज होती जा रही है। जब से मेरा FIR हुआ है, राखी शांत हो गई है, उसने अपना मुंह बंद किया है और मैं यही चाहती थी कि राखी मेरे अगेंस्ट बोलना बंद करे। वो भी ऐसी गंदी भाषा का उपयोग करती थी, इतने अश्लील शब्द वो मेरे बारे में बोलती थी। अच्छी बात है कि उसने मेरे बारे में बोलना बंद कर दिया है। हाल ही के वीडियो में भी राखी ने बहुत भला बुरा कहा है आपको। वही ना, देखे मैं यहाँ से रोज़ यही सोचती हूँ कि राखी मेरे बारे में बोलना बंद करे, लेकिन उनका बोलना बंद नहीं होगा। अब क्या करे, राखी सावंत का दूसरा नाम ही। अब माता के मंदिर के अंदर भी खड़े होके मैं गलत शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहती। मुझे लगता है राखी कभी नहीं सुधरेगी, कभी नहीं सुधरेगी। वो इस एज में हो गई है, वो 50+ हो गई है, लेकिन फिर भी उसको पता नहीं चलता है कि उसको क्या बोलना है। थैंक यू वेरी मच। कट गया।